हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। सो आ चुका हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है और काफ़ी डिमांडिंग भी है। सो दोस्तों, काफ़ी समय से बात चल रही थी कि प्लीज़ आप एक कंपैरिजन वीडियो बना दीजिए इंदिरा और जो कॉलेजेस अवेलेबल है मुंबई के, दैट इज़ MET, चेतना, IES, ये सारे कॉलेजेस के बारे में मैं इंडिविजुअली वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आप उसे विजिट नहीं किए तो आप प्लीज़ विजिट करके एक बार उसका भी डिटेल रिव्यू चेक कर लीजिए। और चलते हैं हम लोग डायरेक्टली आज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंदिरा का जो कॉलेज है, इंदिरा एक लीग है, काफ़ी बड़ा लीग है जो पुणे में अवेलेबल है, और जो MET कॉलेज है वो मुंबई में अवेलेबल है। इंदिरा एक लीग है जिसके अंदर में चार कॉलेजेस आते हैं, एक है IIMP, ISBS, IGBS और ICEM। IIMP है जो उनका फ्लैगशिप कॉलेज है, देन ISBS उनका सेकेंड नंबर का कॉलेज है, देन IGBS एंड ICEM। सो ये चार कॉलेजेस है जो कि इंदिरा लीग में आते हैं, और MET एक इकलौता कॉलेज है। उसके बाद में MET के साथ साथ में आता है IES और चेतना, ये तीनों भी इक्वल रैंकिंग कॉलेज है विच रिसाइड्स इन मुंबई। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन वीडियो पे, देखते हैं आज हमारा, जैसे कि मैंने बताया, कंपैरिजन है हमारा इंदिरा लीग वर्सेस MET IES/चेतना। सो लोकेशन है इंदिरा का जो कि है पुणे में है, रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर है पुणे के, और काफ़ी अच्छा एरिया है ये, हिंजवडी से लगकर एरिया है, जो कि हिंजवडी इज़ फेमस फॉर IT पार्क, IT हब एंड, और ये जो है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे रिसाइड करता है इंदिरा का कॉलेज, और जो MET IES है ये मुंबई के अंदर रिसाइड करता है। उसके बाद में अगर हम लोग इंदिरा का इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज लाइक MET, मैंने इसमें जो स्टेटस रखा हूँ MET के रखा हूँ, बट जो IES है और चेतना है उनके भी करीबन सेम ही है। सो अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखा जाए MET का, जो का जिसका फुल फॉर्म है मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट, इसका है 1989 का, सो ये कुछ ज़्यादा पुराना है। उसके बाद में जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है दोनों भी कॉलेज में सेम प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक करेक्शन करना होगा, जैसे कि प्रोग्राम्स अवेलेबल है मुंबई में, सॉरी पुणे में जो इंदिरा कॉलेज है, इंदिरा लीग है, उसमें है MBA/PGDM। जो ये जो कॉलेज आता है इंदिरा लीग जो कॉलेज आता है, ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, और जो दूसरा वाला कॉलेज है MET IES, यहाँ पे भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वो MBA की डिग्री प्रोवाइड नहीं करते, वो प्रोवाइड करता है MMS की डिग्री, और यहाँ पे जो डिग्री मिलती है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की मिलती है। यहाँ की जो फीस है, MET की फीस देखा जाए तो 4.5 है, और IES और चेतना की फीस देखा जाए तो नियर बाय 5 लाख है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो इंदिरा लीग में किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एनी हाउ 90-91 परसेंटाइल के अबव चाहिए। ये जो परसेंटाइल कह रहा हूँ मैं, वो है MAH CET का जो स्कोर आता है उसके परसेंटाइल की बात चल रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं MET IES चेतना, इन सभी कॉलेजेस के लिए, इन तीनों भी कॉलेजेस के लिए आपको परसेंटाइल चाहिए नियर बाय 95%। इस इंदिरा लीग के अंदर में जो अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जब भी प्लेसमेंट्स आती है, प्लेसमेंट की कंपनीज होती है, चारों भी कैंपस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चारों भी जो कॉलेजेस है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके कारण एक ड्रॉबैक भी ये आ जाता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज अगर एक कॉलेज का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे 180 का इंटेक होगा, कहीं पे 120 का होगा, वहीं कहीं पे 160 का होगा। सो अगर चारों भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो एनी हाउ दोस्तों कॉम्पिटिशन भी बढ़ने वाला है। अगर इस कंपैरिजन में अगर हम लोग MET IES देखते हैं तो MET IES का जो हम लोग एवरेज पैकेज क्लेम करता है कॉलेज, वो करता है 6-6.5 के नियर बाई, तो इसको भी हम लोग 5-6 के बीच में अराउंड कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही फ्रूटफुल चीज़ है जो कि है यहाँ पे क्राउड, जैसे कि आपने मैंने कहा, जैसे कि इंदिरा के अंदर चार कॉलेजेस है, चार कॉलेजेस के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा एनी हाउ। इसका एज कम्पेयर टू द इंदिरा, MET IES, चेतना, ये तीनों इंडिविजुअली रोल प्ले करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। कॉस्ट वाइज देखा जाए दोस्तों तो जो आपको एक्सपेंडिचर लगता है एकोमोडेशन के लिए, फूड के लिए, वो अगर हम लोग मुंबई के कंपैरिजन में पुणे का देखा जाए तो वो वे लो है। पुणे में काफ़ी आपको रिजनेबल रेट में आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, वही अगर हम लोग मुंबई प्रीफर करते हैं एडमिशन लेके तो फिर हमारा फीस एनी हाउ जो हम लोग यहाँ पे 4.5 समझते हैं वो नियर बाय आपको 9-10 के बीच में आपको लगी जाएगा 2 साल का।
सो दोस्तों ये चीज़ भी आपको मेजरली ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप सिर्फ फीस देख के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एनी हाउ ओवरऑल चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, ओवरऑल पैरामीटर्स हमको देखने पड़ेंगे और बेसिस ऑन दैट ओनली वी नीड टू टेक अ डिसीजन एंड गेट एडमिशन फ्रॉम इन दैट कॉलेज वर्थ ज्वाइनिंग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, दोनों भी कॉलेजेस इक्वल फीस लेती हैं, प्लेसमेंट्स भी इक्वल इक्वल ही लगभग दे ही देती है, एवरेज पैकेज देखा जाए दोनों भी कॉलेजेस का। तो अब बात आता है कि वर्थ ज्वाइनिंग कौन सा है। जब दोनों भी चीज़ें इक्वल है, सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सारी इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग के, अगर मैं आपके बदले हूँ और मैं प्रीफर करना चाहूँ तो मैं एनी हाउ प्रीफर करूँगा पुणे का इंदिरा, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी पेड प्रमोशन फॉर दिस कॉलेज, बट रीज़न बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ पुणे इज द ओवरऑल चार्जेस, क्योंकि हर किसी को एनी हाउ में देखना है कि हम लोग इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और आउटकम कितना निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं 5 लाख के नियर बाय मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर फीस देखा जाए तो 5 लाख है, तो मैं 2 साल का मेरा खर्चा मैं 2 लाख अगर कंसिडर करता हूँ तो मेरा फीस जाएगा एनी हाउ 7 लाख के करीब करीब, ठीक है, ओवरऑल मेरा एक्सपेंडिचर जाएगा 7 लाख के करीब करीब इंक्लूडिंग द फीस। सो और मैं वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कॉलेज इज नियर बाय 5.5 to 6। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 9 से 10 लाख दे के अगर मैं 6 लाख के नियर बाय अगर प्लेसमेंट लेता हूँ और यहाँ पे 7 लाख दे के अगर मैं 6 लाख के नियर बाय प्लेसमेंट देखता हूँ तो फिर मैं एनी हाउ इंदिरा को लीग को सिलेक्ट करूंगा। हाँ बट अगर हम लोग मुंबई से ही रिसाइड करते हैं, मुंबई के ही लोकल आइड है, तो फिर तो एनी हाउ हमें जाना चाहिए, हमें प्रीफर करना चाहिए MET IES चेतना, विच इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन अमॉन्ग अदर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। सो दोस्तों ये था हमारा इंदिरा वर्सेस MET IES चेतना का डिटेल्ड कंपैरिजन। तो दोस्तों अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, आप घर पे डिटेल आप घर पे और डिस्कस कर सकते हैं कि सर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरीके के पैरामीटर्स में इस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है, और फाइनली आप डिसीजन इज़ ऑल योर्स। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प लगता है तो प्लीज़ विजिट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में और आगे इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे कोई भी इशू आता है तो। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।